एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते। उस साधु की एक खास बात थी कि वो साधु जब भी नाचता था तो गांव में बारिश होने लगती थी। गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी वो उस साधु के पास जाकर उससे विनती करते कि दया करके आप नाचना शुरू कर दें। और जैसे ही साधु नाचना शुरू करता वैसे ही गाँव में बारिश शुरू हो जाती। कुछ समय बाद शहर में रहने वाले चार लड़के गांव में घूमने के लिए आए। गांव में आने के बाद जब उन लड़कों को यह बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश शुरू हो जाती है तो उन सबको इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। और वो शहर के पढ़े लिखे लड़के थे इसलिए थोड़ा अहंकार था। शहर के लड़के अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहे थे इसलिए उन्होंने गांव वालों को यह चुनौती दे दी कि हम भी नाचना शुरू कर देंगे तो बारिश होने लगेगी, यदि बारिश नहीं होती है तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। दूसरे दिन प्रातः गाँव वाले उन चार लड़कों को साधु की कुटिया में लेकर पहुँच गए और फिर साधु से सारी बात को विस्तार से बताया। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पहला लड़का थक कर बैठ गया लेकिन बारिश नहीं हुई। कुछ समय बाद दूसरा लड़का नाचना शुरू किया, वो भी लगभग 2 घंटा नाचा होगा, फिर वो भी थक कर बैठ गया। बारी बारी से चारों लड़का नाचना शुरू कर दिया परंतु वो चारों थक कर सांस से बैठ गया लेकिन गाँव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। इसके बाद साधु का नंबर आया। साधु ने नाचना शुरू किया, 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। 2 घंटा बीत गया फिर भी बारिश नहीं हुई। साधु ने नाचना बंद नहीं किया और शाम होते होते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और गांव में बड़ी तेज बारिश हो गई। शहर से आए लड़के यह सब देखकर हैरान रह गए और उन्होंने साधु से तुरंत क्षमा मांगी और साधु से पूछा, बाबा ऐसे कैसे हो गया कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश होने लगी। साधु ने उन लड़कों को बताया, जब मैं नाचता हूँ तो मैं 2 बातों पर ध्यान देता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ यदि मैं नाचूंगा तो बारिश का होना ही पड़ेगा और दूसरी बात, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफल व्यक्ति में यही गुण मौजूद होता है। वो जिस काम को करते हैं उन्हें सफल होने पर पूरा विश्वास होता है और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उसमें सफल नहीं हो जाते। यदि आपको भी किसी काम में सफलता हासिल करनी है तो आपके अंदर भी साधु बाला गुण को अपनाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।